हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर अंकू। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सी एंड प्रिटी सी लेटेस्ट डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो लाइनिंग का फैब्रिक था वो मैंने कट कर लिया है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने जो फ्रंट वाले पार्ट की लंबाई है वो 14 ली है एंड बैक की भी 14 ही ली है। बट आपको फ्रंट वाले पार्ट की लंबाई बैक से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे 14 है तो हमें फ्रंट वाले की 15 लेना है। और यहाँ पे मैंने चेस्ट जो है वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट करके 1.5 इंच का मार्जिन दिया। आप एक्स्ट्रा भी दे सकते हो, जैसे कि 2 इंच का मार्जिन भी आप दे सकते हो। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का ही दिया है इस तरह से। एंड शोल्डर जो है वो मैंने 7 इंच का कट किया है, क्योंकि बॉट नेक की कटिंग होने वाली है इसलिए मैंने 7 इंच का कट किया है। और बॉट नेक में 7 इंच का ही ज़्यादातर कट होता है। एंड बैक वाले पार्ट में जो कमर की साइड है वहाँ पे मैंने फ्रंट वाले पार्ट से 1 इंच कम कर लिया है, तिरछी कटिंग की है, क्योंकि इसी तरह से कटिंग होती है नॉर्मली ब्लाउज में जैसे होती है उसी तरह से। तो अब हम फ्रंट वाले पार्ट की जो नेक और बेल्ट जो है वो कट करेंगे। इसमें से यहाँ पे बॉट नेक हम बना रहे हैं तो 3 इंच का हमें नेक लाइन लेना है, और नेक की जो लंबाई है वो भी हमें 3 इंच की ही लेनी है। देखिए इस तरह से यहाँ पे 1/2 इंच हमें शोल्डर डाउन कर देना है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर डाउन कर लिया और स्ट्रेट लाइन हमें दे देनी है। अब हमें नेक की लंबाई जो वो 3 इंच पे कट कर लेनी है एंड राउंड शेप नेक को दे देना है। इस तरह से अच्छे से राउंड दे देंगे। एंड फिर हम जो है अब हमारा जो अपर पार्ट होगा मेन बॉडी का उसे हम कट करेंगे। तो यहाँ पे मैं 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क कर लेना इसको। एंड जो बेल्ट रहेगा वो हमारा 3 इंच का रहेगा, बाकी का जो पार्ट है वो ऊपर बॉडी का पार्ट रहेगा। एंड इसको हम प्रिंसेस कट में कट करेंगे बेल्ट के साथ ही। पहले हम बेल्ट को कट कर लेंगे एंड उसके बाद में हमें प्रिंसेस कट की कटिंग करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, मैंने 3 इंच का बेल्ट रखा है एंड यहाँ पे जो मिडिल में है मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा दे के राउंड शेप दे दे रही हूँ। ये देखिए 3 इंच पे मैंने मार्क किया है इस तरह से। ये देखो 3 इंच पे मार्क करके यहाँ से मैंने राउंड स्टार्ट किया है मिडिल में देना। बेल्ट का शेप जो है वो बहुत बढ़िया आता है इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है अच्छे से। इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब हमें प्रिंसेस कट के जो टक थे वो लगा लेने, मार्क कर लेने। तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे कर रही हूँ 4 एंड 5 इंच पे, यानी कि 1-1 इंच के टक्स में दे रही हूँ। एंड टक्स की लंबाई जो वो 2.5 इंच की है। एक साइड में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ एंड फिटिंग की साइड थोड़ा सा राउंड दे के ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। एंड अब हमें इसे भी कट कर लेना है अच्छे से। देखिए सेम इसी तरह से हमें कट कर लेना है। ये सेम प्रिंसेस कट ही है, बेल्ट के साथ हमें 4 या 4.5 इंच पे मार्क करना होता है, बेल्ट के बिना हमें 2.5 इंच पे ही मार्क करना है। अब यहाँ पे आप हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने ताकि स्टिचिंग करते वक्त हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो अच्छे से आ सके। नेक को भी मैं कट कर ले रही हूँ यहाँ पे एंड शोल्डर डाउन जो हमने किया है उसको भी मैं कट कर लूँगी। अब आप बेल्ट लगा के देखोगे तो आपकी फिटिंग जो आपको इस तरह से भी सेम अच्छी आती है। बेल्ट को जो है हम बीच में से थोड़ा अंदर की तरफ कट करेंगे, इससे हमारा अच्छा बैठ जाता है, जो पफ निकल के आएगा बहुत ही बढ़िया सा निकल के आएगा। इस तरह से मैं कट कर लूँगी। ये देखिए स्टिचिंग करते वक्त जो हमने कट्स जो यहाँ पे दिए थे ये हमारे बीच में ये बराबर आने चाहिए स्टिचिंग के टाइम, वरना पफ जो है ठीक से नहीं बैठेगा। अब हम बैक वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। तो बैक वाला जो हमारा सिंपल होने वाला है एकदम, ऊपर की तरफ जो नेकलाइन हमारी होगी बैक वाले पार्ट में वो हम सेम फ्रंट के जैसे ही 3 इंच की ले लेंगे, बाकी शोल्डर के लिए छोड़ देंगे। देखिए ऊपर मैंने 3 इंच लिया है एंड नीचे की तरफ मैंने 2.5 इंच की ही जो है दी है। थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा और नीचे की तरफ 1/2 इंच कम कर देंगे, तिरछा कट करेंगे हम इसको। देखिए इस तरह से बैक में हमारा फुल टेसल्स होने वाला है लगाएंगे, तो मैं सीधा इसे कट कर ले रही हूँ। अब हमें यहाँ पे जो है मार्किंग कर लेनी है टक्स की। ये देखिए तो मैं टक्स की लंबाई और अच्छे से मार्क कर ले रही हूँ। अब हमें इन दोनों को मेन फैब्रिक पर कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ का जो मेन फैब्रिक है उसको लाइनिंग के जैसे कट कर लिया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को जॉइंट कर लेंगे, अच्छे से स्टिच कर लेंगे। जैसे कि मैं वीडियो में बता रही हूँ आपको सेम वैसे स्टिच कर लेना है। तो हम सबसे पहले प्रिंसेस कट जो है इसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ जो हमारी सिलाई जो यहाँ पे होगी दोनों तरफ, हमें जो एक्स्ट्रा यहाँ पे कट किया था फैब्रिक उसे हमें कट कर लेना है।
बिल्कुल भी हमें एक्स्ट्रा नहीं रखना है, जितना हमारा लाइनिंग का उतना ही। एंड इस पर भी हमें मार्क कर लेने हैं, ये देखिए। एंड इस पर भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है नीचे और साइड की तरफ से, वो हमें कट कर लेना है। जहाँ पे हमारी स्टिच होगी सबसे पहले, वहाँ पे हमें कट कर लेना है। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है, वरना सिलाई जो है वो परफेक्ट नहीं आएगी। ये देखिए, यहाँ पे भी मैं कट लगा रही हूँ छोटे छोटे, ताकि स्टिचिंग के वक्त हमारा पॉइंट्स जो है वो एक दूसरे से मिल जाएँ। तो हमें सबसे पहले लाइनिंग की स्टिचिंग करनी है, लाइनिंग पे करनी है। दोनों पार्ट साथ में नहीं करने, अलग अलग करने हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें बीच में ये जो कट दिया है हमने छोटा सा, उसको मिलाते हुए हमें स्टिच कर लेना है इन दोनों को ही। मैं लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को जॉइंट कर लूँगी, अलग अलग करूँगी। स्टिच करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट्स को जॉइन कर लिया है। आप देख सकते हो प्रिंसेस कट में जो हमारा पफ आया है, बहुत ही बढ़िया निकल के आया है। ये देखिए, दोनों को मैंने अच्छे से जॉइन कर लिया है। ये देखिए देखिए, मैंने अच्छे से जॉइन करने के बाद जो हमारा टक्स का जो पॉइंट्स है वो दोनों पार्ट्स के मिल रहे हैं। फैब्रिक के दोनों फैब्रिक्स के पार्ट जो है अच्छे से मिल रहे हैं। अगर ये नहीं मिलेंगे तो हमारा जो फिटिंग है वो सही से नहीं आएगा, लाइनिंग की अलग और मेन फैब्रिक की अलग हो जाएगी। तो अब हमें बेल्ट को जो है यहाँ पे जॉइन करना है। उससे पहले मैं यहाँ पे बीच में लेस लगा लूँगी, ताकि हमें पता चल सके इसका लुक जो वो बढ़िया सा आ सके। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, बेल्ट का जो ऊपर वाला फैब्रिक था मेन वाला, उस पर मैंने लेस लगाई है। एंड अब हमें इसे जो फ्रंट का पार्ट था, फ्रंट ऊपर वाला पार्ट, उस पर जॉइन किया है मैंने। एंड जॉइन करके फ्रेश सिलाई जो मैंने लगा दी है, तो इस तरह से हमारी लेस जो है वो हमें चुभेगी नहीं अंदर की तरफ ऐसा, वरना कोई कोई लेस हमें चुभ जाती है। तो इस तरह से, इसलिए मैंने ये वाली सिलाई की है। अब सेम तरह से मैंने इसका भी बेल्ट जॉइन कर लिया है, जैसे कि फ्रंट वाला किया था, ऊपर वाला पार्ट किया था, उसी तरह से मैंने ये भी कर लिया है। अब हमें प्लेन फैब्रिक लेना है। एंड जिस साइड से हमारा ये कैनवास पेपर है चिपकता है, उस साइड से हमें आयरन करके इसे अच्छे से चिपका लेना है। चिपकाने के बाद हमें स्टिच कर लेना है, जैसे कि नॉर्मली हम करते हैं उसी तरह से हमें ये कर लेना है। एंड नेक पे जो है हमें लेस लगा के, लेस के साथ हमें इसे अटैच कर लेना है। ये देखिए, अच्छे से कट कर लेंगे एक्स्ट्रा जो है। एंड उसके बाद हमें यहाँ पे एक स्टिच लगा लेनी है नीचे की साइड, छोटे छोटे कट्स दे देने। कट्स देने के बाद यहाँ पे मैं कट कर लूँगी, क्योंकि ये वाला जो कैनवास है वो बहुत ही स्मूथ सा है, तो ये हमारा इजीली फोल्ड भी हो जाएगा स्टिचिंग करने के बाद। इसलिए मैं इसे जितना है उतना ही कट कर रही हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे नॉट्स हमें लगा लेने हैं, एंड फोल्ड करके ऊपर स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड करके ऊपर की तरफ स्टिच लगा ली है, ये देखिए। अब हमें इसे जो है नेक पे लगा के अल्टर कर लेना है, वो भी लेस के साथ, जैसे कि मैं आपको बता दूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कप्स अटैच किए हैं, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को चिपका लिया अच्छे से। आप नॉर्मल स्टिच भी दे सकते हो। अब हमें जो यहाँ पे नेक है वो अटैच करना है। तो यहाँ पे मैं सेंटर ले रही हूँ इसका, एंड नेक दोनों का सेंटर लेके हमें सेंटर से लेस लगाते हुए यहाँ पे अटैच कर लेना है, ये देखिए। एंड इस पर हम लेस लगा लेंगे। लेस लगाने के बाद जो हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है नेक पे, जिस तरह से हमने बेल्ट पे किया था, तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर ली है लेस के साथ में। छोटे छोटे नॉट्स देके हमें अल्टर कर लेना है इसको, ताकि फिनिशिंग से निकल के आए हमारा। देखिए, तो मैं यहाँ पे अल्टर कर रही हूँ, बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग से जो स्टिचिंग हमारी आई है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ऊपर लेस के ऊपर जो एक स्टिच लगा दिया, बहुत बढ़िया सा निकल गया है। यहाँ पे आप जो हाथ से सिलाई कर सकते हो कैनवास पेपर पे, ताकि अच्छे से जो फिनिशिंग से आ जाए, सिलाई भी हमारी नहीं दिखेगी इस तरह से। अब हमें नीचे की तरफ भी ये वाली जो स्ट्रेट पट्टी है वो लगा लेनी है, वो भी लेस के साथ में, क्योंकि इसका जो लुक है वो अलग दिखेगा, दिखने में लगेगा कि हमने बेल्ट ज्वाइन किया है। सेम दोनों जो हमने नेक पे एंड बेल्ट पे किया, उसी तरह से मैंने यहाँ पे भी कर लिया है। यहाँ पे भी हमें हाथ से सिलाई लगा लेनी है दोनों की तरफ। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट जो है इस तरह से रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे कप्स लगाए हैं। अगर आपको कप्स की वीडियो चाहिए तो मैं आपको अलग से बना के दे दूँगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया है। तो अब हमें बैक वाला पार्ट बना लेना है। तो उसके लिए जो हमारा बैक वाला पार्ट था, वो हमने पहले ही नेक कट कर लिया था बैक वाला। एंड यहाँ पे जो है मुझे टैसल्स ऐड करने हैं, टैसल्स लगाने। तो उसके लिए मैं 8 टैसल्स लगाऊंगी यहाँ पे एक साइड में, ये देखें। तो उसके लिए
टैसल्स लगाने के लिए हमें पहले मार्किंग कर ली है, तो नीचे की तरफ से मैं हाफ इंच छोड़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारी सिलाई जाएगी, इसलिए फिर 7 इंच पे मैं रख के 1-1 इंच की मार्किंग कर रही हूँ। तो टोटल हमारा 8 जो है टैसल्स यहाँ पे लग जाएंगे। तो सेम इसी तरह से मैं दूसरे वाले पार्ट पे भी मार्किंग कर ले रही हूँ। ये देखिए 7 इंच पे रखा है एंड इस तरह से हमें 8 जो है वो टैसल्स यहाँ पे लगा लेने। तो ये टैसल्स मैंने पहले से बना के रखे हैं। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे पेज का नाम मेंशन कर दूँगी। एंड ये देखिए मैं इस तरह से रखें, यहाँ पे हमें पहले स्टिच कर लेना है। टैसल्स कंप्लीट होने के बाद में जो हमने फ्रंट वाले पार्ट पे जो कैनवास लगाया था सेम उसी तरह से यहाँ पे भी लगाना है हमें। तो ये जो हमारे टैसल्स है वो ऐड होने के बाद में स्टिच करने के बाद मैंने इस तरह से कुछ तो कैनवास पेपर की पट्टी लगाई है। क्लिप जो है वो डिलीट हो गई थी तो मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ इसके अंदर। सेम फ्रंट वाले पार्ट में जैसे लगाई थी वैसे ही बैक वाले में लगा लेनी है सेम इसी तरह से, एंड फिर आपका लुक जो है बढ़िया आ जाएगा। एंड ये जो है इसका पूरा टोटल लुक है, ये फ्रंट वाला है। ये देखिए बेल्ट पे जो है वो इजीली नज़र आ रहा है कि हमने बेल्ट लगाया है, एक अलग ही लुक दे रहा है। एंड ये मैंने पफ स्लीव्स बनाई है यहाँ पे 14 इंचेस पे बनाई है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया लुक आता है पफ स्लीव्स का, बहुत सुंदर। मैंने अलग फैब्रिक से बनाई है, शिफॉन के फैब्रिक से मैंने बनाई है स्लीव्स। एंड ये जो इसका बैक वाला लुक है बहुत ही बढ़िया सा लुक है बैक वाला। टैसल्स आप देख सकते हो मैंने जो हाइट वाइज टैसल्स को लगाया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अगर आप बनाओ तो मेरे को पिक ज़रूर शेयर कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं आईडी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ इंस्टाग्राम की। एंड वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड नेक्स्ट वीडियो मैं कैसे लेके आऊँ वो भी मेरे को ज़रूर बताना ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। मेरे को कमेंट करके ज़रूर ज़रूर से बताना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर वीडियो को ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू, बाय।